हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जीजीयू वीआरईटी एग्जामटेड 2021 पीएचडी इंटरव्यू के बारे में जानकारी दिया गया है। वेरियस कोर्सेज की इंटरव्यू प्रेजेंटेशन डेट, क्वालिफाइड स्टूडेंट लिस्ट, वैकेंट सीट, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में इन कोर्सेज की डिपार्टमेंट वाइज जानकारी दिया गया है, जिसमें है एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक, बॉटनी, हिस्ट्री एंड एजुकेशन। इन कोर्सेज की पीएचडी इंटरव्यू के बारे में जानकारी दिया गया है। यह वीडियो लेंथी होने वाली है, बाकी सब्जेक्ट को आप यहां पे स्किप कर सकते हो। वन बाय वन यहां पे लिस्टेड कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नोटिस बोर्ड में यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज की पीएचडी की इंटरव्यू की शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कोर्सेज में कैंडिडेट को ईमेल भी किया जा रहा है। रेगुलरली आप अपना ईमेल एंड जीजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट की इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है क्वालिफाइड स्टूडेंट का, जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे वीआरईटी कैटेगरी की लिस्ट है, जिनका वाइवा वाइज प्रेजेंटेशन होगा। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की लिस्ट है एंड यहाँ लास्ट में है स्कॉलर, जिनको वाइवा वाइज प्रेजेंटेशन के लिए अपियर नहीं होना है। तो यहाँ से आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हो। डेट ऑफ डीआरसी है, आपके इंटरव्यू का डेट है 2 दिसंबर 2021। टाइम है 11 AM। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको देना होगा। आपका जो प्रपोज्ड रिसर्च वर्क है उस पे बेस्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रेजेंटेशन होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू की लिंक HOD के द्वारा आपको ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के दिन सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 स्लाइड बना सकते हो एंड आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। यह डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट की इंटरव्यू की नोटिफिकेशन है। इन सब की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड दोनों कैटेगरी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू है 1 दिसंबर 2021। एप्लीकेंट सीरियल नंबर है 1 से 30 वालों का होगा 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को होगा एप्लीकेंट सीरियल, जिनका सीरियल नंबर है 31 से 49 एंड 2 दिसंबर को ही होगा सभी वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, लिंक यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन लिस्ट से आप अपना सीरियल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हो और किस डेट पे इंटरव्यू है यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इस ईमेल के थ्रू आपको अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करना होगा। PPT प्रेजेंटेशन टॉपिक के साथ इस ईमेल आईडी में आपको सेंड करना है। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट PhD इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस। डेट ऑफ इंटरव्यू है 6 दिसंबर 2021 और यह कंटिन्यू किया जा सकता है अगले दिन भी। टाइम ऑफ इंटरव्यू है 10:30 AM। गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिस्ट दिया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट का। वीआरईटी कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पे है। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का लिस्ट है। सभी एलिजिबल कैंडिडेट को 5 दिसंबर के पहले अपना PPT प्रेजेंटेशन, जिसमें टॉपिक, इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च एंड इट्स सिग्निफिकेंस 10 से 15 स्लाइड में हो, ईमेल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है forestry@gmail.com। 5 दिसंबर के पहले आपको ईमेल करना है ये सारी जानकारी। 10 मिनट का टाइम आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाएगा इंटरव्यू के दिन। इंटरव्यू मीटिंग ID एंड लिंक ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। रेगुलरली आप ऑफिशियल वेबसाइट एंड अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें। तो यह PhD इन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं PhD प्रोग्राम इन मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज के लिए डेट फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू 4 दिसंबर 2021 को प्रेजेंटेशन इंटरव्यू होगा। टाइम है 2:30 PM। आवश्यकता पड़ने पर यह इंटरव्यू कंटिन्यू 5 दिसंबर तक किया जा सकता है 10:30 AM को। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है वीआरईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का। वीआरईटी एग्जामटेड कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इसकी पीडीएफ फाइल से इसको चेक कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू होगा, 6 मिनट दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है एप्लीकेंट जिन्होंने अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए उनको 4 दिसंबर के पहले सबमिट करना है। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा गूगल मीट के थ्रू। यहाँ पे ये पूरी जानकारी दी गई है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर ऑन और बिफोर 9 दिसंबर। जिनका इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 9 दिसंबर को। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है वीआरईटी कैटेगरी का, यहाँ पे वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का लिस्ट है। डेट फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है उसको यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट का डेट फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन एंड टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो तो आपका कब, आपका कौन सा डेट में इंटरव्यू है, उसका टाइम क्या है, यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। कितने सीट वेकेंट है पीएचडी के लिए उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट को स्कैन कॉपी सेंड करना है, कलर कॉपी, सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स 10th, 12th, यूजी, पीजी, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनओसी, कास्ट सर्टिफिकेट, फीस पेमेंट रिसिप्ट, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको 2 दिसंबर के पहले इस ईमेल आईडी में मेल करना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। मैक्सिमम 10 स्लाइड का पीपीटी बना सकते हो गूगल मीट के थ्रू। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिशन का 2 दिसंबर 5 PM तक। इंटरव्यू की डेट एंड टाइमिंग है 3 दिसंबर 1 PM ऑनवर्ड। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 6 दिसंबर को। लास्ट डेट है फीस सबमिशन की। कमेंसमेंट ऑफ प्री-पीएचडी कोर्स वर्क, प्री-पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट में दिया गया जानकारी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यह था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए डेट एंड टाइम है 6 दिसंबर 12 PM से। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वीआरईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट की जानकारी दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू है, इन कितने टाइम इंटरव्यू होगा उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट की जानकारी यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट है। कैंडिडेट को स्कैन कॉपी में डॉक्यूमेंट सेंड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करना है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दिया है। 2 दिसंबर के पहले आपको ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट को सेंड करना है। ईमेल की ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया इंटरव्यू के बारे में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यह था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन है वीआरईटी कैटेगरी में। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। 2 दिसंबर के पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, इस ईमेल आईडी में डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है 2 दिसंबर के पहले। नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू शेड्यूल की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सबमिशन आप कलर्ड स्कैंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थ्रू 2 दिसंबर 2021, इस ईमेल एड्रेस में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन होगा 3 दिसंबर को 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 4 दिसंबर को। लास्ट डेट है फीस सबमिशन की 15 दिसंबर एंड प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे जानकारी दिया गया है पूरे इंटरव्यू के बारे में, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के लिए इंटरव्यू की शेड्यूल, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है 3 दिसंबर 2021 को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा गूगल मीट के थ्रू। 3 दिसंबर को मॉर्निंग में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। 3 दिसंबर को सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंट होना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है, वैकेंसी की जानकारी यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ उसकी जानकारी यहाँ पे है। यहाँ पे पूरा लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यदि आपकी किसी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। यह था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के लिए। नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो इंटरव्यू के लिए। डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन इंटरव्यू है 6 दिसंबर। ऑनलाइन होगा इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 AM से 11 AM। इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 12 PM से। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन करना होगा PPT के थ्रू DRC के सामने। 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट को 2 दिसंबर के पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कलर स्कैन कॉपीज मेल करना है PDF फॉर्मेट में। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। PDF फाइल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है PhD प्रोग्राम इन फॉरेंसिक साइंस। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 6 एंड 7 दिसंबर को। ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू होगा, गूगल मीट के थ्रू इंटरव्यू होगा। लिंक शेड्यूल्ड इंटरव्यू डेट के एक दिन पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 2 PM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा इस डेट पे। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। 6 और 7 दिसंबर को इंटरव्यू है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेट ऑफ इंटरव्यू है 6 दिसंबर एंड 7 दिसंबर। 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे लिंक दिया गया है इंटरव्यू की, इस लिंक के थ्रू आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट को प्रेजेंटेशन देना होगा। मैक्सिमम 5 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। यहाँ पे जानकारी दिया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रिसर्च प्रपोजल के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पूरी जानकारी यहाँ पे। रिसर्च प्रपोजल, राइटअप, प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर PhD सुपरविजर, NOC एम्प्लॉय कैंडिडेट के लिए, ये सारी जानकारी आपको इस ईमेल ID पे मेल करना है 2 दिसंबर तक 4 PM के पहले। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है VRET क्वालिफाइड कैंडिडेट का जिनका इंटरव्यू है 6 दिसंबर को। यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस टाइम पे इंटरव्यू है। जिनका 7 दिसंबर को इंटरव्यू है VRET क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, टाइम यहाँ पे है। पे फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ सबमिटिंग प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर PhD सुपरविजर। इस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है लिस्ट ऑफ अवेलेबल सुपरविजर एंड देयर रिसर्च इंटरेस्ट, इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। इस PDF फाइल से इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है PhD प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे डिटेल से जानकारी दिया गया है। सभी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना है 2 दिसंबर के पहले। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका जानकारी यहाँ पे दिया गया है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम है 6 दिसंबर 12 PM। 6 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग ऑनलाइन गूगल मीट का लिंक यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसी की जानकारी यहाँ पे दी गई है। VRET क्वालिफाइड कैटेगरी कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे है, यहाँ से चेक कर सकते हो। लिस्ट में VRET एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। PDF फाइल को आप जरूर पढ़ें, इसमें सारी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं PhD प्रोग्राम इन केमिस्ट्री। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है 1 दिसंबर 2021। मोड ऑफ इंटरव्यू है ऑनलाइन होगा गूगल मीट के थ्रू। एग्जैक्ट टाइम स्लॉट एंड द लिंक विल बी प्रोवाइडेड बाय 1 दिसंबर 2021 मॉर्निंग। 1 दिसंबर को मॉर्निंग में आपको एग्जैक्ट टाइम एंड लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 30 नवंबर के पहले आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल एड्रेस में भेजना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे वीआरईटी क्वालिफाइड कैटेगरी कैंडिडेट का लिस्ट है, वीआरईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का लिस्ट है, हेल्प डेस्क नंबर दिया गया, यदि आपकी किसी कार्य हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। यह था पीएचडी प्रोग्राम इन केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन इंटरव्यू है 2 दिसंबर को, ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 से 11 AM, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 11:30 AM से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम रहेगा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। कैंडिडेट को ओरिजिनल कलर्ड स्कैन कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करना है 1 दिसंबर 5 PM के पहले। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग। वीआरईटी कैटेगरी सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है 29 नवंबर के पहले। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में जानकारी दिया गया है। इंटरव्यू शेड्यूल इस प्रकार से है, 29 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है 3 दिसंबर 9:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 4 दिसंबर को। लास्ट डेट है फीस सबमिशन का 15 दिसंबर। प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे जानकारी दिया गया इंटरव्यू के बारे में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम इन जूलॉजी। यहाँ पे अवेलेबल सीट की जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज। नंबर ऑफ स्लाइड टोटल 10 स्लाइड होना चाहिए, जिसमें टाइटल एंड रेफरेंस एक्सेट्रा रहेगा। टाइम अलॉट किया जाएगा 7 मिनट, जिसमें 5 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए रहेगा, 2 मिनट क्वेश्चन एयर के लिए रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू प्रेजेंटेशन है DRC मीटिंग 6 एंड 7 दिसंबर को। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 9 दिसंबर को। ऑनलाइन एडमिशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस है ऑन और बिफोर 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के पहले एडमिशन ले लेना है फीस सबमिशन करके। प्री पीएचडी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से। यहाँ पे वीआरईटी क्वालिफाइड लिस्ट दिया गया है। वीआरईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का लिस्ट है। यह था जूलॉजी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। डेट एंड टाइम है 7 दिसंबर एंड 8 दिसंबर को 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वीआरईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू है एंड टाइम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। वीआरईटी एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंटरव्यू के बारे में, कितना स्लाइड होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसको आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं सोशल वर्क के लिए। वीआरईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का है, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कैंडिडेट का। रिमार्क में जानकारी दिया गया है कैंडिडेट के बारे में। वैकेंट सीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज कितना है। इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को 11 AM को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के एक दिन पहले इसकी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट है इसी में सोशल वर्क का वीआरईटी कैटेगरी के लिए। सीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज। 3 दिसंबर को इनका भी इंटरव्यू होगा 11 AM से। स्टूडेंट की लिस्ट दिया गया है, जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इंटरव्यू है 3 दिसंबर को 12 PM को। मैक्सिमम 10 स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। नेक्स्ट है पीएचडी प्रोग्राम इन बॉटनी। डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी मेल करना था। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेल करना है इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अवेलेबल सीट के बारे में जानकारी दिया गया कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन प्रोसीजर की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट डेटा ऑनलाइन इंटरव्यू प्रेजेंटेशन टू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू डिटेल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड इंटरव्यू है, इसकी डेट है 2 एंड 3 दिसंबर को। इंटरव्यू लिंक एंड टाइम शेड्यूल विल बी कम्युनिकेट लेटर। इंटरव्यू लिंक एंड टाइम शेड्यूल बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के थ्रू। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वैकेंसी के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज, वीआरईटी एग्जामिटेड दोनों कैटेगरी में। यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में जानकारी दिया गया है, इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन विथ टेंटेटिव प्रपोजल 5 से 6 पेज का होना चाहिए, 5 से 6 पेज का पावर पॉइंट होना चाहिए। 28 नवंबर के पहले आपको डॉक्यूमेंट ईमेल करना था। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गई, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीआरईटी क्वालिफाइड लिस्ट यहाँ पे दिया गया है जिनका इंटरव्यू है 2 एंड 3 दिसंबर को। वीआरईटी एग्जामिनेटेड कैंडिडेट के लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। यह था डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए। लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इंटरव्यू है 13 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर को। वैकेंट सीट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है, टोटल 12 सीट है। ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा गूगल मीट के थ्रू। मीटिंग लिंक इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया है, पावर पॉइंट कितना स्लाइड होना चाहिए, कितना टाइम दिया जाएगा, पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था 27 नवंबर तक। डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू है 30 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर को। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 9 दिसंबर को। ऑनलाइन एडमिशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस है 15 दिसंबर या इसके पहले। प्री पी एच डी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है वीआरईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट। वीआरईटी एग्जामिनेटेड क्वालिफाइड लिस्ट, सारी जानकारी इस पीडीएफ फाइल में दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सभी कोर्सेज की पीएचडी के इंटरव्यू के नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे कोर्स का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अपडेट किया जा रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। ईमेल के थ्रू भी कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जा रहा है। रेगुलरली आप अपना ईमेल एंड जीजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहो किसी भी प्रकार से अपडेट के लिए। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।